इधर पूरा खेत घिस दिया इन्होंने, देखो 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 मिट्टी में खेल रहे। इसके सिंह पे भी पता नहीं क्या हो गया था यार, पता नहीं कि कहाँ तोड़ा इसने अपना सिंह। हेलो एवरीवन, वेलकम माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के ऑलमोस्ट 7:30 हो रहा है टाइम, और भाई आज हल लगाने की तैयारी है पूरी। तो बैलों को भी मैंने जोत दिया है, और भाई धूप तो खैर बहुत ऊपर चली गई है, तो यहाँ पे पेड़ था तो पेड़ की छाव में मैंने व्लॉग शुरू कर दिया है। और हमारे साथ क्रिस आया था बैलों को छोड़ने, और पीछे मम्मी जी वहाँ पर गोबर डाल दिया खेत में, और ये अपने हीरा मोती बैल। वाओ, तो एक सींग ला लिए मैंने उधर से यहाँ लगा के, अब ये लगाना है पूरा। उसके बाद टाइम बचेगा तो मैं कॉलेज निकल लूँगा, अगर 10 बजे तक निपटेगा। वैसे मेरे को लग रहा मुश्किल निपटेगा, पर देखते हैं, कोशिश करते हैं। उधर तो अभी कुछ इतना हल लगा दिया है, और इधर साइड से भी इतना हल लगा चुका है। तो इधर को मम्मी जी ने नलियाँ भी चुन ली है, और इधर को अभी चुनी रही है, तो एक जगह पे ऐसा इकट्ठा कर देते हैं। उसके बाद इसे एक दो दिन में इसमें आग लगा देंगे, जब भी सूख जाएगी पूरी तरीके से, तो भी लगाते हैं पूरा यार। तो बादल बड़े मस्त दिख रहे हैं इधर को, तो इधर को मैं टाइम लैप्स लेने की सोचता हूँ, अगर मिलेगी कहीं पर जगह तो टाइम लैप्स लेते हैं इधर का। तो अभी टाइम लगभग 9 बज गए हैं, और कुछ इतना हल निपट चुका है, और मम्मी जी ने भी कुछ इतनी नलियाँ चुन ली है इधर को बचाए, और हल लगाना सिर्फ इधर को बचाए। तो आज तो खैर कॉलेज जाना कैंसिल हो गया, हालांकि निपट जाता है 1 घंटे में, पर ऐसा है कि उधर साइड को जहाँ पे आलू निकाले थे कल परसों, तो वहाँ पे आलू निकाले थे उधर साइड को, तो उधर अभी नहीं लगा रहा है मैं हल, तो अभी उधर लगाना है क्योंकि वहाँ से आलू निकल रहे हैं। तो अभी 5-10 किलो तो ऐसे ही निकल जाएंगे हल लगा के। उधर को सिर्फ कुदाल से खोदा था तो नहीं निकले थे, कुछ कुछ बच गए होंगे। तो अभी उधर हल लगा देंगे पूरा, और बैलों को भी थोड़ा आराम दे रहे हैं हम। और अभी मम्मी जी घर जाएगी, और नाश्ता वगैरह भी यहीं ला लेगी मेरे लिए, और पापा जी के लिए भी वहीं दुकान पे। तो अभी निपटाते हैं, और मम्मी जी भी जाएगी अपना। मम्मी जा जल्दी, जाइए जल्दी। हालांकि ये मम्मी जी के लिए पूरा 1-1.5 दिन का काम है ये नलियों का भी, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड काम है। एक एक कोने पर जाके एक एक ढांग लगानी पड़ती है, पूरा एक एक करके चुंगना पड़ता है, हार्ड काम है हार्ड। अभी मम्मी जी घर से घूम के आ गई है, और नाश्ता वगैरह भी ला लिया है, तो मम्मी जी ने भी नहीं किया तो यहीं करेंगे। और थोड़ा बहुत और हल लगा दिया, अब थोड़ा बचा है 5-6 सींग, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर रोटी सब्जी, तो अभी अपना नाश्ता भी हो गया है। और इधर साइड को आपको एक चीज़ कॉमन दिख जाएगी कि जो भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल वगैरह रहती है उसी में खेत में पानी जाता है। इधर को काफ़ी बार नोटिस करना, आप भी जो भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल या बिस्लेरी की जो भी रहता है ये, तो इसी में खेतों में पानी आता है। कोई स्पेशल वाटर बोतल नहीं कि हाँ भाई ये वाटर बोतल है, तो ये जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह की रहती है। और मम्मी जी अभी इधर को घास काट रही है साइड साइड को, और फिर मम्मी जी ने दो को बुलाया जो आलू के दिन भी थी साथ, उन दो को भी बुलाया है, तो वो उधर को आलू चुंगेंगी, और मम्मी जी इधर को ये अपना नलियों को छानेगी। और अभी करते हैं दोबारा से काम शुरू, और मम्मी का फ़ोन देखो भाई कितना क्रैक हो गया है भाई, अंदर से भी हल्का फुल्का काला हो गया है, पर कोई नहीं, मम्मी बोल रही कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी फाइनली ये भी निपट चुका है, और कुछ इतने आलू हुए, इतने और कुछ उसमें तो कल लगभग 5 किलो तो हो ही गए होंगे, और ये 3 भी आ गए थे, एक ये एक ये एक ये। इसका नाम प्रतिज्ञा, इसका नाम भड्डू, रियल नाम क्या है? कशिश। इसका नाम आरुषि। तो ये भी आई मदद करने, ठीक है अब बैलों को रिलीज़ करते हैं भाई, बहुत थक गए होंगे बेचारे। और इसके सिंह पे भी पता नहीं क्या हो गया था यार, पता नहीं कि कहाँ तोड़ा इसने अपना सिंह, तो पट्टी बांध रखी है, पट्टी के रूप में कपड़ा बांध रखा है, तो खोलते हैं इन्हें अब। मम्मी जी ने भी बहुत चुंग लिया है, तो अभी बैल भी थोड़ी देर इधर ही को चढ़ लेंगे। और ये भाई इधर पूरा खेत घिस दिया इन्होंने, देखो 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 मिट्टी में खेल रहे। और ये है कुछ आलू ये हुए हैं, ठीक है ऑलमोस्ट 5-6 किलो तो हैं ये, यस कुछ तो हुए। इधर मत जा रहे,
उधर चल। तो भी मेरे को भी इन बैलों की ड्यूटी मिल गई है, इन बैलों को चराना है। तो किसी के भी जुआड़ में ना जाएं, किसी के खेत में ना जाएं, जहाँ किसी ने कुछ बो रखा है वहाँ ना घुस जाएं। तो चराते हैं आधे एक घंटा, उसके बाद चल लेंगे। एक इधर नीचे को जा रखा है कहीं। तो भी टाइम ऑलमोस्ट 12:15 हो गया है। तो नानी जी अब बैलों को ला लेगी, मैंने थोड़ी देर चरा लिया, उधर ही को देखभाल कर दी। अब नानी जी लाएगी उन्हें आराम आराम से। नानी जी भी आई थी थोड़ा नली चुनने के लिए मम्मी के साथ। तो मैं चल रहा हूँ, मैं खाना खुना बना लूँगा और फिर 3 बजे अपना कोचिंग चला जाऊँगा। कोचिंग तो जाना ही है, कॉलेज नहीं गया तो कोचिंग तो जाऊँगा। तो कड़कती धूप लगी है भाई, 12 बजे भयंकर कड़कती धूप। तो अभी मैं फाइनली घर पहुँच चुका हूँ और भाई हवा बड़ी मस्त चल रही है भाई, बड़ी मस्त हवा। वाह, ऐसी हवा से सुकून मिल गया, पसीना जम गया था पर मस्त ठंडा फील हो रहा है अब। और अब थोड़ी देर में खाना बनाते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं, बाबा जी के लिए भी ले जाएंगे। उसके बाद थोड़ा नहा भी लूँगा मैं, अगर टंकी में पानी गर्म हो गया होगा तो, धूप लगी है दिन भर तो हो ही गया होगा गर्म, तो नहा लूँगा थोड़ी देर में। तो यार अभी दोपहर के ऑलमोस्ट 2:30 बज गए हैं और मैं भी चल रही अपनी कोचिंग की तरफ। तो ये अपनी स्कूटी, तो बस मार्केट में पहुँचने वाला हूँ, तो 2-3 किलोमीटर बचे ओनली। तो मैं चल दिया था, उसके बाद मैंने दिखाया नहीं, खाना खुना खा के नहा के बिल्कुल फ्रेश होके चल दिया। और अभी चलते हैं और देखते हैं क्या क्या सीन होता है। फिलहाल तो आधा घंटा है अभी मेरे पास, 2:30 बज रहे हैं अभी, तो चलते हैं आराम से। अब इधर से पूरा 2-3 किलोमीटर न्यूट्रल है। और अपनी स्कूटी का ये स्पीडोमीटर भी ख़राब हो गया है, पता नहीं क्यों यार। परसों तक तो ठीक था, फिर कल ही हुआ शायद ये ख़राब, क्योंकि मैंने उसके बाद किया गौर। और यहाँ से भाई बज रही है स्कूटी, इसलिए पापा जी ने ही बांध रखा है, जुगाड़ कर रखा है। और देखो भाई क्या मस्त मौसम हो रहा है अभी, क्या ही मस्त मौसम हो रहा है, मस्त मस्त हवा चल रही है। तो अभी मैं पुरोला के ऊपर पहुंच चुका हूं, मार्केट के ऊपर, और पूरे बाल उड़ गए होंगे मेरे। और यहां से भी न्यूट्रल है पूरा मार्केट तक अब। और पापा जी ने ये स्कूटी धुली अभी, तो ब्रेक इसका चुई 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 कर रहा है कुछ ज़्यादा ही पीछे का, क्योंकि पीछे के ब्रेक में पानी घुस गया होगा, तो चुई 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 कर रहा है जैसे बरसात के मौसम में करता है, तो अच्छा है। और भाई देखो इधर को आग लग रखी है, पूरा काला हो रहा है पता नहीं क्यों। और बड़ा ही मस्त नज़ारा दिख रहा है यहाँ से पुरोला का। तो अभी मैं यहाँ पुरोला के ऊपर रुका हुआ हूँ, तो अपने कोचिंग वाले दोस्तों को कर दिए कॉल, वो भी आ रहे हैं, बस अब 10-20 मिनट बचे हैं। तो हम चलता हूँ अब, कॉल कर दिए उन्हें, वो बोल रहे आ रहे हैं बलम, तो आ रहे हैं वो, तो नहीं यहाँ नीचे से पिकअप कर लूँगा मैं भी। और फिर इधर ये 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, ज़्यादा नहीं।